आपने, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। बहुत लंबा गैप है 10 साल का, अगम जी का लास्ट एल्बम आया था फिर गए भाई, काफ़ी डिस्टेंस है इसमें, तो बस वही सीरीज का ये एल्बम है, टूटे हुए दिल, जिनका टूटा हुआ दिल है उनके लिए एल्बम है, जिसमें काफ़ी सैड सॉन्ग है। एक्चुअली क्या कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, वो चाहते हैं कि बेवफाई के गाने मार्केट में आए, लेकिन वो अपना मतलब दिल का हालात कितने म्यूजिक कंपनी को तो जाके सुना नहीं सकते, तो बस उसी तरह का ही एल्बम है। एक्साइटेड तो बहुत हो कि जो चीज़ सोची थी आज होने जा रही है, और जैसे अरुण जी ने बताया कि एक बेवफा की पहले सीरीज चली थी, पहले अमिताभ राजा का एक दौर चला था, उसके बाद बीच में गैप पड़ गया, ये सब चीज़ों में लगा कि भाई बहुत टाइम हो गया, लोगों को शायद ये पसंद आएगा वापस, यही सोच के हम आगे बढ़े इसमें और आगे हम रखते हैं कि सबको पसंद आए। आप लोगों ने किसी ने बैक टू बैक क्या आ रहा है मूवी ला रहे हैं साथ, ये हमारे नेक्स्ट मूवी के डायरेक्टर अभय छाबरा जी, इसके साथ हम एक नई मूवी ला रहे हैं मेरी प्यारी सविता करके, जिसका आज हम लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया है, बाकी सब आगे। गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्यारी सविता जो हमारी फिल्म है वो 2019 में रिलीज होगी, एंड विल बी अ बिग स्टारकास्ट फिल्म, सो अभी स्टारकास्ट तो हम अनवील नहीं कर सकते हैं, बट पोस्टर आप लोगों के पास है, अभी आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी देर बाद पोस्टर आपको दिखेगा, एंड अगर आप उसके रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर तुम्हारी प्यारी सविता जो है इट्स एन एरोटिक फिल्म, इट विल बी एन एरोटिक फिल्म, बट स्टारकास्ट विल बी वेरी गुड, म्यूजिक विल बी फ्रॉम द ए ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक अच्छा रहेगा, स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे हम लोगों ने काफी बड़े राइटर से बात की है, एंड लिटल जो बेसिक आगे की इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको जल्दी ही रिवील करेंगे थ्रू मीडिया नेट, ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर दैट फिल्म। ये जो एल्बम है इसका नाम है वाह तेरी बेवफाई, और जैसे हम लोग ने पहले मैंने सोनू निगम जी के साथ और अगम जी के साथ एल्बम्स बनाए थे, ये उसी तरह का गाने हैं, जो बहुत लंबा गैप रहा इन गानों का, क्योंकि अभी सब मॉडर्न हो गया, मैं भी कुछ मॉडर्न गाने ही बना रहा हूँ, लेकिन ये वो गाने हैं जो दिल को छूते हैं, एंड उनके लिरिक्स बड़े अच्छे रहते हैं, और ये जब भी गाने आए हैं, मैं सोनू जी के साथ जब ये दौर शुरू किया बेवफा सनम का, उसके बाद अगम जी के साथ वो चल रहे गाने, तो अभी वापस एक गैप के बाद अरुण के साथ ये दौर वापस शुरू हो गया, सो इज दैट वे। इसका वजह है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये जोनर जानता हूँ, ये जोनर जो है मैं जानता हूँ, और जब भी मेरे गाने आए चले ही, हमेशा चले ही, मेरा काम था गाने बनाना, बाकी अरुण जी ने सब स्टारकास्ट उन्होंने ही सब ऑर्गेनाइज किए, मेरा प्रोडक्शन हाउस भी जुड़ गया उसमें, और हम लोग ने टीम वर्क से काम किया, जैसे सागर साहब थे, अभय जी है, तो ये एक टीम वर्क था एक्चुअली, और बहुत अच्छे वीडियो बने, बड़े मुश्किलों में बहुत अच्छे वीडियो बने। बुलाना है मुश्किल लगता नहीं दिल, बुलाना है मुश्किल लगता नहीं दिल, दुआ रब से करो यारो, दुआ रब से करो यारो, उसका आ जाए मुझ पे दिल, बुलाना है मुश्किल लगता नहीं। और चूंकि ये ब्रांड अगम साहब ने क्रिएट किया था सीरीज के माध्यम से बेवफाई पर गाने गाने का, तो उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं के शिष्य जो इनको इंस्पिरेशन मानते हैं, इनके सूरज अरुण कुमार निकम, सॉरी अरुण कुमार निकम जो इस गाने को गा भी रहे लिख भी रहे, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बेवफाई में ऐसी पॉजिटिविटी जो है आज जरूरी है, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ मैं लड़के लड़कियाँ जो है दोपहर में मिलते हैं किसी के साथ, सुबह नाश्ता किसी के साथ करते हैं, दोपहर में लंच किसी के साथ करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ में करते हैं, और डिनर में ब्रेकअप हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में इस टाइप के एल्बम की बहुत ज़रूरत है, जिसमें लोग कहें वाह तेरी बेवफाई चली गई नहीं आई। देखिए ऐसा है कि हाँ, जो दौर हमारा था स्ट्रगल का दौर, उसमें उस दौर में वाकई सच बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत तो लड़कियाँ करती ही नहीं थी, जिस टाइप से मैं दिखता था अभी भी वैसे ही, तो मैं उस प्रणाम करता हूँ उस देवी को जो मेरी पत्नी है, जिन्होंने मुझसे प्यार भी किया, जिससे शादी भी की, आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, तो मैं समझता हूँ कि
मेरा दौर अच्छे से गुजर गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी वालों से कहता हूँ भैया आप भी अपने काम धंधे में ध्यान दो, करोगे अच्छी नौकरी तो मिलेगी अच्छी छोकरी, समझे। अगर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है सर, गाना का ये सर गाना गुरु वाले सुना बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं आप सबकी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा, वॉइस तो मेलोडियस है, अरुण के गुरु अगम साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक फेवरेट गाना सौ रंग मोहब्बत के तो मुझको दिखाती है बेवफा एल्बम से, प्लीज सुनो और सुनील की फरमाइश है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। सौ रंग मोहब्बत के ये मुझको दिखाती है, ना रूठती है मुझसे ना ये शर्माती है, से लगा लू तो लग जाती है सीने से, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। वाह, तालियां, जोरदार तालियां। आज हम यहाँ पे जो प्रस्तुत हुई है वो एक एल्बम के रिलीजन के लिए हुआ है, जिसका और ये एल्बम की स्टोरी जब मैं कहने गया था उस टाइम पे डिस्कस नहीं हुआ था क्या स्टोरी है, बट जब चलिए चलिए कुछ करने वाले जो अभय जी हैं डायरेक्टर, और अभय जी ने इस एल्बम के लिए बहुत मेहनत की है, अरुण जी ने गाना गाया है और इनके ऊपर में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, सो तकरीबन दो साल से मेरे गाने के अच्छे टाइम मैंने बोल रही थी और फाइनली ये मैंने बहुत कामयाब किया, काफ़ी स्ट्रगल में हमारा बहुत बार स्टोरी है, काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू थे जहाँ पर ऐसा लग रहा था हमें कि नहीं यार ये चीज़ होगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम दोनों ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट, टू बी पार्ट ऑफ दिस एल्बम, बहुत खुशी हो रही है कि इतने लेजेंडरी सिंगर्स कॉमेडियन हमारे ही लॉन्ग जीवन का हिस्सा बने, एक स्ट्रगलर जो फाइनली ही बिकेम अ स्टार, एक अपनी कोशिश और अपनी जर्नी स्टार्ट की है उन्होंने, सो थैंक, बस